हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, जो सबका फेवरेट होता है एंड साथ ही बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। एंड साथ ही ये बहुत इजी है बनाने में एंड बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो चलो हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। वन केजी गाजर मैंने लिया है एंड मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी मैं इसे अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। देखिए इस तरह हमें ग्रेट कर लेना है। देखिए अभी यहाँ पर हम कढ़ाई ले लेंगे और हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। जो अभी मैंने ग्रेट किए थे वो गाजर यहाँ पर डाल लूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह। अभी हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे। हम इसे ऐसे ही कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर मैं बीच में इसे थोड़ा सा चला लूंगी फिर से। अराउंड 1 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही स्टर करूंगी। अब हम इसे कवर कर फिर से रख देंगे ऐसे ही। देखिए यहाँ पर 5 मिनट्स हो चुके हैं एंड इसकी क्वांटिटी अभी कम हो चुकी है। इसे ऐसे ही अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। एंड यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है। 2 कप्स हम ले लेंगे यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क। गाजर के हलवे में आपको फुल क्रीम मिल्क ही डालना है। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। अब हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे। यहाँ पर 1 कप शुगर मैंने ऐड किया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे कवर करेंगे और 15 मिनट्स मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। अभी हम फिर से इसे कवर कर रख देंगे। देखिए अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड जो मिल्क था वो अच्छे से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुका है। ये देखिए सारा मिल्क अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अभी हम इसे ऐसे ही चलाएंगे। हम इसे ऐसे ही 2 मिनट्स तक चलाएंगे। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर लेंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है और यहाँ पर मैंने खोया लिया है 2 टेबलस्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हम इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे 2 मिनट्स तक। हम इसे ऐसे ही हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे। ऐसा करने से गाजर के हलवे में सॉफ्टनेस आती है।
देखिए जो मिक्सचर है वो पैन को छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये परफेक्टली पक चुका है। अभी हमारा गाजर का हलवा अच्छे से पक चुका है। हम जितना इसे चलाएंगे ये उतना अच्छा बनता है, उतना टेस्टी बनता है। देखिए हमारा गाजर का हलवा यहाँ पर बनकर रेडी है। हम फ्लेम को अभी ऑफ कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स एंड खोया के साथ।